हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB की कुछ पोस्ट कोड के लिए जो है रिजल्ट और रिजेक्शन लिस्ट जो है वो आ गई है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, रिजल्ट नोटिस 1290 जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए ये था और इसका जो पोस्ट कोड था वो 5/19 था। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो 33 टोटल पोस्ट थी। यूआर के लिए इसमें 4, ओबीसी के लिए 27, एसटी के लिए इसके अंदर 2 पोस्ट थी। और इसके लिए हम देख सकते हैं जो कैंडिडेट हैं वो Tier 2 के अंदर जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं ओबीसी के अंदर 23 और एसटी के अंदर इसमें 2 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। और इसकी आप कट ऑफ देख सकते हैं, यूआर के लिए 122 नंबर, ओबीसी के लिए 96 नंबर और एसटी के लिए 101 नंबर इसके अंदर है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे नोटिस के लिए, दूसरे नोटिस जो है वो रिजेक्शन नोटिस है। नंबर है इसका 1291 जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, पोस्ट कोड 5/19 के लिए है। इसके अंदर जो है कि जूनियर इंजीनियर अंडर पोस्ट सेनेटरी रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड द टर्म ऑफ कैंडिडेट आर एडवर्टाइजमेंट, ये जो है इसको डिड नॉट अपलोड, यानी कि इन्होंने जो है कि कोई अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं किया होगा, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तीसरे नोटिस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट से ही रिलेटेड है। इसकी पोस्ट कोड जो है वो 48/15 इसका पोस्ट कोड है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी थी वो 2 थी और जो इसकी कट ऑफ गई है वो यूआर के लिए 92.50 और ओबीसी के लिए 70 कट ऑफ जो है इसकी गई है। और अगर मैं बात करता हूँ फाइनल नोटिस के लिए तो जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए पोस्ट कोड 2/19 के अंदर जो टोटल वैकेंसी 13 वैकेंसी थी इसके अंदर, यूआर के लिए 7, ओबीसी के लिए 13 ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, इनका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। Tier 2 का 250 में से इनके जो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 133, ओबीसी की 123, एससी की 119.75 और एसटी की 125.25, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इन पोस्टों के लिए किसी के लिए भी फिल किया था तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की पल पल न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।